नमस्ते दोस्तों, आज हम तितलियों के जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे। तितली की जन्म एक छोटी सी अंडे से होती है जो कि पौधे पर रखी जाती है। जब अंडे से छोटी सी लार्वा निकलती है तो वह खुले में अपनी खोज शुरू करती है। तितली की लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। इस चरण में तितली का शरीर तेजी से बढ़ता है और यह खूब खाती है ताकि वह बढ़ सके। जब लार्वा का शरीर अधिकतम आकार तक पहुंचता है तो वह अपने शरीर को एक कोकन से ढक लेती है। इस स्थिति को क्रायोनिक्स कहा जाता है। बाद में कोकन से निकली तितली की रेखाएं होती हैं, जिनमें से एक धीरे धीरे फॉर्म करने लगती है। अंत में तितली के फॉर्म को आखिरी रूप दिया जाता है जो हम सभी जानते हैं, वह है एक बहुत ही सुंदर तितली।